नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने आज रुद्रदौली में विश्वकर्मा समाज के गौरव भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। आयोजित विश्वकर्मा चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को सम्मान दिया, नौकरी और रोजगार दिया, भाजपा ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। सपा ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति और सरकार में हिस्सेदारी दी, भाजपा ने कुछ नहीं दिया। जबकि भाजपा ने विश्वकर्मा समाज को मंत्री नहीं बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने रामाश्री विश्वकर्मा को मंत्री बनाया। सभी विश्वकर्मा बंधुओं को समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर वोट करना होगा। बिना RTI में दाखिला लिए, क्योंकि वो कुशल कारीगर होते हैं, इनको RTI का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ताकि वो सरकारी नौकरियों में भर्ती होने का काम कर सके। लेकिन विभाग ने RTI का प्रमाण पत्र नहीं जारी किया। शिकायत हमारे पास आई, हम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन, हमने अधिकारियों को बुलाया, हमने पूछा। जब उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने विश्वकर्मा समाज के लोगों को RTI का प्रमाण पत्र देने का शासन आदेश जारी किया है, तो आखिर में प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा? तो अधिकारी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने रोक लगाने का कहा। हम इसलिए इस बात का जिक्र करना चाहते हैं, ये बैठे हुए हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे विश्वकर्मा समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग, सरकार में बैठ करके हम लोग गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए कानून बनाते हैं, और केंद्र में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस कानून पर रोक लगा रही है। इसलिए हम पिछड़े वर्ग के भाइयों आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, राजनीतिक बनो आप, अब देखो कि कौन आपके हित में फैसला ले रहा है और कौन आपके हित के खिलाफ फैसला ले रहा है, कौन आपको नौकरी रोजगार देने के लिए काम कर रहा है और